प्रवर्तन निदेशालय की टीम उदयपुर पहुंची है, होटल रेफल्स पहुंची है ईडी की टीम। पिछले महीनों में भी ईडी की टीम ने होटल से बरामद किए थे दस्तावेज। दिल्ली से आई 4 सदस्यीय अधिकारियों की टीम क्योंकि लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तब भी कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे, ऐसे में कार्रवाई लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उदयपुर पहुंची है, होटल रेफल्स पहुंची है ईडी की टीम। पिछले महीने भी ईडी की टीम ने होटल से कई दस्तावेज बरामद किए थे। 4 सदस्यीय अधिकारियों की टीम जो कि आई है, और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी, क्योंकि पिछले बार की बात की जाए तब भी दस्तावेज कई बरामद हुए थे, ऐसे में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। होटल रेफल्स ईडी की टीम पहुंची है, और पिछले महीने भी ईडी की टीम ने होटल से दस्तावेज बरामद किए थे। और देखिए, जानकारी जो सामने आ रही है, 4 सदस्यीय अधिकारियों की टीम जो कि दिल्ली से आई है, और अब भी वापस से वही ईडी की टीम पहुंची है, छानबीन की जाएगी। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल रेफल्स में ईडी की टीम पहुंच चुकी है। पिछले महीने भी ईडी की टीम ने होटल से दस्तावेज बरामद किए थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि भी जुड़ चुके हैं। रवि, प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, होटल राफेल जो है, जो कि होटल माफ कीजिएगा, झील उदय सागर के बीचों बीच है, वहां पर ईडी की 4 सदस्यीय टीम जो दिल्ली से आई है वो वहां पर दस्तावेज खंगालने पहुंची। और बड़ी बात यह है कि अब से कुछ एक महीने पहले भी ईडी की जो टीम है उसने होटल राफेल्स में दस्तावेज बरामद किए थे। उनको पड़ताल करने के लिए काफी बड़ी संख्या में दस्तावेजों को पिछली बार भी ईडी की टीम लेकर गई थी, और इस बार भी जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी की 4 सदस्यीय टीम जो फिलहाल होटल राफेल्स में मौजूद है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस तरह की बातें अमूमन सामने आती हैं कि होटल में कुछ जो कुछ लीडर्स हैं उनके भी शामिल होने की जानकारी है। तो इस तरह की जो तमाम चीजें, ऐसी आशंकाएं जो हैं, उन सभी को लेकर ये जो टीम है ये जांच पड़ताल कर रही है। दस्तावेज पहले भी बरामद किए थे, अभी भी कुछ और दस्तावेज जुटाएगी और उन्हीं के आधार पर आगे की पड़ताल शुरू होगी। जी हाँ, बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।